नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिरकार काबुल से भारतीयों की वापसी कब होगी, ऐसे सवाल देश के कोने कोने से उठ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की शुरुआत के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों को निकालने की है। अभी तक भारतीय दूतावास से जुड़े लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान तैयार है, लेकिन अभी उसे क्लियरेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 2000 भारतीय हैं जो इस वक्त अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहां पर वो फंस गए हैं। इन सभी को निकालने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। वायुसेना के विमान द्वारा इन सभी को लाया जा सकता है, लेकिन अभी काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग का क्लियरेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि वायुसेना का विमान अभी तक 180 नागरिकों को ला चुका है, इसमें अधिकतर दूतावास से जुड़े हुए लोग थे। काबुल में भारतीय एम्बेसी अभी भी काम कर रही है। ऐसे में जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं वो दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में अब तालिबानी लड़ाके तैनात हैं। ऐसे में किसी का भी काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर भी हजारों की भीड़ है जो मुल्क से बाहर जाना चाहती है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी और नाटो फोर्स सेफ पेजेस तैयार कर रही है। जैसे ही भारतीय विमान को इजाजत मिलती है तब रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी पिछले दो दिनों में बैठक कर चुकी है, जिसमें अफगानिस्तान के ताजा हालात, वहां से लाए गए लोगों और वहां पर फंसे भारतीयों को वापस लाने को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। भारत पहले ही कह चुका है कि सबसे पहले भारतीयों को निकालना उसकी प्राथमिकता है। तो तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा है, ऐसे में सभी देश जो हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। करीब 21 देश ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की है, ऐसे में भारत भी शामिल है। आपको बता दें कि कई भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अब भी एक आंकड़ा जो है वो 2000 का है। बताया जा रहा है कि 2000 जो भारतीय हैं अब भी काबुल में फंसे हुए हैं या अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां से उन्हें कैसे वापस लाया जाए। जानकारी मिल रही है कि भारतीय वायुसेना का विमान आज तैयार है और हो सकता है कि आज भारतीय वायुसेना का विमान जाए और वहां से जितने भी लोग जो कि भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, लेकिन वहां पर अब तक क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। तो क्लियरेंस मिलने की देर है और क्लियरेंस मिलता है तो भारतीय वायुसेना का विमान काबुल पहुंचेगा और वहां से तमाम जो भारतीय हैं उनको वापस लाने की तैयारियां जोरों पर की जाएंगी। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की शुरुआत के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों को बचाने की है और वहां से निकालने की है। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ भारतीय जो कि वहां पर काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पर, उनके वीडियो सामने आए थे। वो रो रहे थे, बिलख रहे थे और गुहार लगा रहे थे भारत सरकार से कि उन्हें अपने देश वापस लौटना है। तो ऐसे में अब सरकार की प्राथमिकता है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए, कोई हानि उन्हें तालिबानी लड़ाके जो हैं वो ना पहुंचाए। हालांकि तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी भारतीय हैं अफगानिस्तान में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तालिबान पर भरोसा करना नामुमकिन सा साबित होता है, क्योंकि तालिबान इससे पहले भी लगातार धोखा दे चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए डिप्टी एडिटर काविंद्र चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काविंद्र, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं जो भारतीय काबुल में फंसे हैं, कंधार में फंसे हैं, पूरे अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में फंसे हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही वापस लाया जाए, लेकिन अब तक क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है भारतीय वायुसेना को। आगे अब क्या तैयारी है, कैसे उन्हें वापस लाया जाएगा, किस दौर की बैठ के चल रही है? जी बिल्कुल काजोल, आपको बता दूं कि पहले भी इस तरह की चीज देखी गई थी जब हमारे जो सुरक्षाकर्मी वहां पर फंसे हुए थे और बाकी जो अधिकारी लोग जो फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए जो हमारा पहला प्लेन जब वहां पहुंचा था तो उसको उतरने की भी मनाही कर दी गई थी। तालिबान ने उसको भी वहां पर मना कर दिया था कि नहीं, उसको हम यहाँ पर लैंड नहीं करने देंगे। इसके बाद वो प्लेन एक घंटे तक ऊपर आसमान में घूमता रहा था, जिसके बाद यहाँ सरकार की ओर से दबाव बनाया गया। जब दबाव बनाया गया उसके बाद
वहां पर उसको उतरने की इजाजत दी गई और हम लोग अपने लोगों को लेकर वापस लौटे। अब जो कामगार लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के शामली से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, उत्तराखंड के देहरादून की बात करें वहां से हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 2000 के आसपास लोग हैं। कल तक जो डेट लिस्ट थी वो 1650 लोगों की आई थी, लेकिन आज ये जो लिस्ट है इसमें जो नाम है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं जी। क्योंकि काबुल जो हमारी एम्बेसी है, भारतीय जो दूतावास है, उसको बंद नहीं किया गया है, वो अभी भी चल रहा है। वहां पर जो लोकल लोग हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं और वो कई तरीकों से लोगों को जोड़ रहे हैं, जैसे कोई मेल करके उनको बता रहा है, कोई फोन करके उनको बता रहा है, और जो प्रार्थना पत्र है वो दिए जा रहे हैं कि हमको यहाँ से निकालिए। अब भारत ने दोबारा से कहा है कि हम एक और प्लेन भेजने को है और हम अपने लोगों को दोबारा निकालेंगे, लेकिन तालिबान कहता कुछ है करता कुछ है। मीठी मीठी बातें करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है सबको सेफ पासेस दिया जाएगा, सबको जाने की इजाजत है, किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन हकीकत दरअसल कुछ और है। हकीकत में वो लोगों को परेशान कर रहा है। आपने काबुल एयरपोर्ट पर किस तरीके से फायरिंग की जो घटना हुई उसको भी आपने देखा होगा जी। तो इन सब के बीच तालिबान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो वो अब एक बार फिर से मना कर रहा है कि नहीं अभी आपको पासेज नहीं दिया जाएगा, अभी आपको इजाजत नहीं है, कई कारण बता रहा है। लेकिन भारत सरकार अगर दबाव बनाएगी तो ये बहुत आसान सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं, और जल्द ही हमारे लोग जो है वो वतन वापसी करेंगे। बिल्कुल काविंद, देखिए तमाम बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कैसे काबुल से वापस भारतीयों को लाया जाए। क्या किसी चीज का इंतजार हो रहा है या भी भारत सरकार देख रही है कि हालात वहां पर कैसे हैं? क्योंकि तालिबानी जो वहां पर संसद भवन में बैठे हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन तालिबान पर विश्वास करना गलत होगा क्योंकि तालिबान हमेशा से ही धोखा देता रहा है। तालिबान की जो नीति रही है हमेशा से ये रही है कि पहले, जैसे कि आपने कहा, कि पहले मीठा मीठा बोलो और फिर बाद में वो हमला करता है, लेकिन वहाँ के जो भारतीय हैं, जो वहाँ फंसे हुए हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यहाँ से भी जो परिजन हैं उनके, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जैसे मर्जी उन्हें वापस लाया जाए। यानी सच्चाई ये है कि आतंक वहाँ पर बना हुआ है, नहीं पता कब किसकी जान चली जाए। जी बिल्कुल काजोल, आपके दोनों मुद्दों पर आता हूँ। देखिए पहली बात आपने बोली कि संसद में जो अब वहां पर तालिबानी जाकर बैठ चुके हैं, तो काजोल इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल तक जो लोग बंकरों में बैठा करते थे, कल तक जो लोग अपने ऊंट के साथ रेगिस्तानों में घूमा करते थे, उन्हें अचानक से संसद में लाकर बैठा दिया गया है, तो उनकी सोच, उनकी कार्यप्रणाली क्या हुई हो, क्या रह रही होगी, तो उन पर तो भरोसा करना ही बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होगी। इसके साथ ही अब दूसरी बात पर आता हूँ काजोल। सबसे बड़ी घटना है कि आज की तारीख में विश्व लेवल पे अगर हम बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिका भी ये कह रहा था कि 90 दिन का समय लगेगा तालिबान को पूरा एक्वायर करने में अफगानिस्तान को, लेकिन दूसरे ही दिन ये घटना हो गई, तो ये सबके लिए एक सडन मोमेंट है। तो इस समय भारत सरकार जो है, सबसे पहले तो उन्होंने जहां पर उनके अधिकारी लोग जो और अन्य ऊंचे स्तर पर बैठे हुए जो अधिकारी थे उन सबको निकाला, अपने डिप्लोमेट्स को वहां से निकाला। अब बात आती है जो वहां पर कामगार काम करने गए हैं उनको निकालने की, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन दरअसल बात यह है कि वहां पर अभी हॉचपॉच की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में कैओस क्रिएट हो रखा है। कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ अमेरिका भाग रहे हैं, कुछ यूके भाग रहे हैं, कुछ भारत के लिए आना चाहते हैं। तो इस समय बस ये है कि मसौदा तैयार किया जा रहा है कि कैसे आसानी से लोगों को निकाला जा सके जिससे किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि अगर अभी काजोल जल्दबाजी में अगर भारत सरकार कह देती है ठीक है हम प्लेन भेज रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा, दबाव बनाया जाएगा तो आसानी से काम हो सकता है, लेकिन अगर अभी उनको एयरपोर्ट पर बुला लिया जाता है और कोई घटना हो जाती है, क्योंकि मामला बहुत गर्म है, कोई घटना ना हो इस वजह से थोड़ा समय दिया जा रहा है सरकार की ओर से। बिल्कुल, और भरोसा करना नामुमकिन है क्योंकि तालिबानी, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, तालिबानियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जो है चोरी करके भाग रहे थे, उन्होंने फायरिंग कर दी और कई लोगों को मौत की घाट उतार दिया, तो ऐसे में अभी उन पर विश्वास करना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक और सवाल है काविंद्र की, ये तो बात हो गई कि भारतीयों को कैसे वापस लाया जाए, विमान तैयार है, अभी वहाँ पर उसे पूरा एक कमांड दी जाएगी, कमांड देने के बाद फिर विमान जाएगा, फिर वहां से भारतीय को वापस लेकर आएगा, लेकिन आगे सरकार की क्या तैयारी है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्योंकि करीब 21 देश ऐसे हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की है कि अब अफगानिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि 21वीं सदी में तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान तो 25 साल पीछे चला गया है। आगे क्या करना है, क्या भारत सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से रखेगी, संबंध बनाकर रखेगी? देखिए काजोल, गुड बैड, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ऐसा कुछ नहीं होता, एक तालिबान होता है। तो अब यहाँ पर संशय किस बात का है,
संशय सिर्फ इस बात का है कि क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है। अगर हम लोग भरोसा करते हैं, सरकार मान लीजिए उनके बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत करती है, तो आपने लोगों को लेने के लिए भेजती है, लेकिन अगर वहां पर स्थिति खराब हो जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार जो है अभी इस चीजों पर काम कर रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। सरकार ने सीधे कहा है कि वो सभी लोगों को अपने निकालेगी, और हिंदू सिखों के लिए तो सीधे तौर पर कहा गया है कि वो उनको लाएगी, और अफगान लोग जो है उनकी भी मदद की जाएगी। तो भारतीय सरकार एक पहली सरकार है जो सीधे तौर पर सबकी मदद के लिए सबसे आगे आ रही है, और उन्होंने सीधे कहा है कि उनके सारे लोगों को, एक भी कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है वो वहां पर छूटेगा नहीं, सबको लाया जाएगा, और सीधे आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद आपको बताऊं कि समस्या जहां आ रही है, जो आप पेच की बात कर रही है, पेच सिर्फ यहां फंस रहा है कि तालिबान के जो बड़े अधिकारी हैं जो अभी वहां जाकर सत्ता में जो आसीन हो चुके हैं, वो लोग ये भरोसा जरूर दिलवा रहे हैं कि नहीं, सबको सेफ पैचेस है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खुद को अच्छी सरकार की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वही जिससे मैंने शुरुआत की थी, ये गुड तालिबान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता। बिल्कुल काबिल, यानी कहा जा सकता है कि मुखौटा जो है वो पहना हुआ है तालिबान, मुखौटा कभी भी हट सकता है। बिल्कुल काजोल, इन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए फूंक कर कदम रखना बहुत जरूरी है। बाकी सरकार ने साफ कर अपने लोगों को वापस लाया जाएगा। ठीक है काबिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो काबुल में करीब 2000 भारतीय फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की तैयारियां जो हैं वो भारत सरकार कर रही है, लेकिन तुरंत एक्शन लेना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी घटना को वो अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार नहीं चाहती कि जितने भी भारतीय वहां रह रहे हैं उन्हें ज़रा सा भी नुकसान हो। ऐसे में क्लियरेंस जल्द ही मिल सकती है, भारतीय वायुसेना का विमान जाएगा और तमाम जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उन्हें वापस देश लाया जाएगा। तो काबुल विमान भेजा जा सकता है, भारत आज विमान विदेश मंत्री बोले हैं कि हमारी प्राथमिकता है, और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक बार फिर वायुसेना के C-17 विमान को काबुल भेजा जा सकता है। इसके लिए भारतीय अधिकारी अमेरिका के संपर्क में हैं। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट का नियंत्रण अमेरिका के पास है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे संकेत हैं कि अगले 72 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर यात्री विमानों की आवाजाही शुरू हो सकती है। संभव है कि नागरिक उड़ानों की बहाली से पहले आज भारत काबुल एयरपोर्ट पर मौजूदा अपने नागरिकों और वीजा धारकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष विमान भेजे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के हालात पर पूरा नजर बनाए हुए है और वहां से भारतीयों को निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में खौफ का माहौल है। काबुल पर कब्जे के बाद शांति की बात करने वाला तालिबान 2 दिन में ही अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया। महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है, विरोध करने वालों को गोली मारी जा रही है। इस बीच तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने के लिए लगातार रणनीति बनाने में जुटा है। तालिबान के करीबी सूत्र बताते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान पर शासन के लिए काउंसिल कर बैठक भी कर सकता है, जिसका प्रमुख तालिबान का सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार फिलहाल दुनिया में कहीं भी COVID-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है। WHO ने बुधवार को कहा कि सबसे पहले हमें दुनिया के गरीब देशों की आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट करने के बारे में सोचना चाहिए, इसके बाद ही अमीर देशों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बारे में फैसला लेना चाहिए। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि COVID-19 के ताज़ा आंकड़ों पर गौर करने के बाद हम इस बात को यकीन से कह सकते हैं कि फिलहाल बूस्टर डोज की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। WHO का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने 20 सितंबर से अपने सभी नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध करने की बात कही है। अमेरिकी सरकार ने डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया। WHO के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एलवर्ड ने अमीर देशों में COVID-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज दिए जाने की बात पर कहा है कि दुनिया में इस वक्त पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है, परेशानी की बात यह है कि ये सही संख्या में सही जगह नहीं पहुंच रही है। तो WHO ये कह रहा है कि जितने भी अमीर देश बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश में बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो वैक्सीन है जो देशों में दी जा रही है उसी वैक्सीन को देना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तमाम देश ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, वहाँ पर उस स्तर को अच्छा बढ़ाएं, लेकिन बूस्टर डोज की अभी ज़रूरत नहीं है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा होने के साथ ही अब उसके साथ पड़ोसी या अन्य देशों का संबंध भी बदलने लगा है। भारत और अफगानिस्तान गहरे दोस्त रहे हैं, लेकिन तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही भारत के साथ आयात और निर्यात दोनों ही बंद करने की ठान ली है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अजय सहाय ने इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर अजय सहाय ने कहा है कि तालिबान ने इस वक्त सभी कार्गो मूवमेंट को रोक दिया है। हमारा माल अक्सर पाकिस्तान के रास्ते ही सप्लाई होता था, जो अभी रोक दिया गया। अफगानिस्तान की स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है ताकि हम सप्लाई को शुरू कर सके, लेकिन मौजूदा वक्त में तालिबान ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोक दिया है, रोकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सहाय के मुताबिक बिजनेस के मामले में भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। साल 2021 में ही हमारा एक्सपोर्ट करीब 835 मिलियन डॉलर था, जबकि 510 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा भारत द्वारा अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, जिसमें करीब 400 योजनाओं में 3 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है। तो तालिबान ने भारत के साथ ट्रेड को रोकने की पूरी कोशिश की है। अगर अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की बात की जाए तो रिश्ते बेहद ही खूबसूरत थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमेशा से ही होता रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट भारत ने किया है। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल ये है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, अगर तालिबान जो है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तालिबान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ, अगर आगे भी ऐसा रहा तो भारत को कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार शाम 7 बजे से विमान हाईजैक करने को लेकर धमकी भरा फोन कॉल आया। कॉल बंगाली भाषा में थी और जिसने कॉल किया उसने अपना नाम शांत बिस्वास बताया। पुलिस ने कहा है कि वो उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कॉल कर धमकी दी और आगे बताया कि उसने कॉल ये कहते हुए डिस्कनेक्ट कर दिया कि वो मजाक कर रहा था। एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉल किस फ्लाइट से की गई और इसका ब्यौरा अभी पता नहीं चल पाया है। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और ऐसी धमकी भरे कॉल सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर सकते हैं। तो पूरा मामला पश्चिम बंगाल का है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक धमकी भरा कॉल आया है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार शाम को 7 बजे ये कॉल आई और हाईजैक करने को लेकर ये धमकी भरा फोन था। कॉल बंगाली भाषा में थी और जिसने कॉल किया उसने अपना नाम शांत विश्वास बताया है। पुलिस ने कहा है कि वो उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश लगातार कर रही है जिसने कॉल कर धमकी दी और आगे बताया कि उसने कॉल ये कहते हुए डिस्कनेक्ट कर दिया कि वो मजाक कर रहा था। एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच तो कर रही है। कॉल किस फ्लाइट से की गई है इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा और ऐसे धमकी भरे कॉल से सुरक्षा एजेंसियां परेशान हो सकती हैं और हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों को परेशान करने के लिए कॉल किए जा रहे हों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि 20 सितंबर से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज अवेलेबल होगी। बूस्टर डोज अभी उन लोगों को ही लगाई जाएगी जिन्हें अपनी दोनों डोज लिए 8 महीने का वक्त बीत चुका है। बीते दिनों अमेरिकी एक्सपोर्ट ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए बूस्टर डोज देने की सिफारिश की थी। जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने गुरुवार को कहा है कि 20 सितंबर से वैक्सीन की बूस्टर डोज अवेलेबल हो सकती है। अभी इसका अप्रूवल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास पेंडिंग है जिसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बाइडेन ने बताया कि बूस्टर डोज सभी के लिए मुफ्त रहेगी और उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लिए 8 महीने का वक्त बीत चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बूस्टर डोज को लेकर हो रही आलोचनाओं को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता कह रहे हैं कि अमेरिका को वैक्सीन की तीसरी डोज तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक बाकी देशों को पहली डोज नहीं मिल जाती। मैं इस बात से असहमत हूं। बाइडेन आगे कहते हैं कि हम अमेरिका की देखभाल कर सकते हैं, साथ ही दुनिया की भी मदद कर सकते हैं। दरअसल दुनिया के कई देशों समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बूस्टर डोज को लेकर चिंता जाहिर की है। इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि अगर अमीर देश गरीब देशों को वैक्सीन दिए बगैर अपने यहाँ बूस्टर डोज देते हैं तो इससे महामारी और विकट हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं आया है जिससे पता चलता हो कि बूस्टर डोज से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन अमेरिका अपने नागरिकों को बूस्टर डोज देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। केरल एकमात्र राज्य है जहां कोरोना का कहर बना हुआ है। 60% कोरोना केस रोजाना सिर्फ केरल में ही दर्ज किए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 36,401 नए कोरोना केस आए हैं और 530 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। एक दिन पहले 35,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि कल 3,286 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, यानी कि 60% केस सिर्फ केरल में ही हैं। वहीं बीते दिन यहां महामारी से 180 लोगों की जान चली गई। केरल में नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,25,000 हो गई है और मृतकों की संख्या 19,000 से ज्यादा है। एक दिन में 18,731 लोग ठीक हुए हैं। तो भारत में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन केरल अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाइजर के चिलबेरी क्षेत्र में हुए एक हमले में हथियारबंद दहशतगर्दों ने 37 लोगों की हत्या कर दी। इसमें 13 बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूनिसेफ ने इस हमले की जानकारी साझा की है। यूनिसेफ ने बताया कि अज्ञात सशस्त्र समूह द्वारा बच्चों और परिवारों को निशाना बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने हमलों में मारे गए प्रभावित पीड़ितों, परिवारों और समुदायों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। 16 अगस्त को हुए हमले के बाद यूनिसेफ ने बताया कि पश्चिमी नाइजर में चिलबेरी क्षेत्र के डेरेडिग गांव में जनवरी से लेकर अगस्त तक ये तीसरा हमला है। यहाँ की जमीनी हालात बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशस्त्र समूह से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने की अपील करती है। यूनिसेफ ने बताया कि बच्चों की हत्या मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। चिलबेरी के क्षेत्र बुर्किना फासो, माली और नाइजीरिया से लगी सीमाओं पर हमलों के कारण बड़ी संख्या में पलायन भी लगातार हो रहा है। नैनीताल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह से वर्चुअल बातचीत की। संवाद कार्यक्रम में जिले के 3 समूह आदर्श महिला क्लस्टर लेबल फेडरेशन विकास खंड कोटाबाग और एकता स्वयं सहायता समूह फत्ता बंगर हल्द्वानी के साथ ही अधिकारियों से वर्चुअल बातचीत की है। वर्चुअल महिला स्व सहायता समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि स्व सहायता समूह अच्छा काम कर रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने लगन से कार्य किया है, ये उत्साह हमेशा बना रहे और आगे भी अच्छा कार्य करे, प्रदेश और देश के विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह स्वरोजगार का अच्छा और सशक्त माध्यम है। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्व सहायता समूह अच्छा काम कर रही है, पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आए हैं। वर्चुअली पुष्कर सिंह धामी इन लोगों से जुड़े हैं और साथ ही साथ इनकी हौसला अफजाई की है। आगे कहा है कि जिस तरह से महिलाएं लगातार काम कर रही हैं, इससे कहीं ना कहीं अब प्रदेश के जो लोग हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा, खासकर की महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि महिला जो हैं जिस तरह से काम कर रही हैं और जगह जगह जाकर तमाम जो गांव भर की महिलाएं हैं उनको जागरूक कर रही हैं, वो भी एक बेहतर कदम है। प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और ऐसे ही लगातार काम होते रहे तो प्रदेश और ज़्यादा विकास की गति पकड़ता हुआ नज़र आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप 2021 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा घोषित की गई 15 सदस्य टीम में कप्तान ओरन फिंच और स्विट स्मिथ की वापसी हुई। बीते दिनों ये दोनों क्रिकेटर चोटिल हो गए थे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा, जिसका शेड्यूल हाल ही में ICC ने जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में ओरन फिंच की घुटने और स्विट स्मिथ की कोहनी की चोट से उबरने के बाद वापसी हुई। इसमें चोट की वजह से वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के दौरे पर टीम के साथ नहीं जा पाए थे। इसके अलावा कप्तान फिंच वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद वो टीम से बाहर हो गए। फिंच और वार्नर के बाद जिन खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई उनमें ग्लेन मैक्सवेल, मार्क्स और पैट कमिंस और केन रिचर्ड्स शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी कंगारू टीम के साथ वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के दौरे पर नहीं गए। इन सात
खिलाड़ियों की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहद मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कंगारू टीम पहला टी20 खिताब जीतने की कोशिश करेगी। वैसे मौजूदा समय में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और उन्हें पिछली 5 सीरीज में हार का सामना लगातार करना पड़ा है। ऐसे में कंगारू इस बार पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो टी20 चैंपियन बन सकें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।